हेलो एवरीवन, अभी जस्ट मैं दुबई लैंड हुआ था और अब हम जा रहे थे अपने होटल। बट जब तक दूसरी टैक्सी आ रही थी उसमें हमारा सामान था, तब तक हमने सोचा कि हम थोड़ा बीच का मज़ा ले लें। होटल के जस्ट पीछे हमारा बीच था, तो हम जब बीच में गए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमने सोचा चलो अब चलते हैं होटल पर, और ये हमारा होटल है। फिर हम थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर रहे थे, पापा के फ्रेंड्स थे साथ में, तो उन्होंने हमारा रूम बुक करवाया। और फिर जब तक हमारा रूम रेडी हो रहा था, तब तक हम बैठ के बातें कर रहे थे कि बहुत सुंदर था हमारा होटल और बीच। उसके बाद हमारा जब रूम रेडी हो गया, हम रूम के लिए निकले। रूम बहुत ज़्यादा सुंदर था, बट एक प्रॉब्लम थी रूम में, बहुत दिक्कत हो गई। पावर बैंक हमने रास्ते में यूज़ करा तो डिस्चार्ज हो चुका है, और यहाँ पर ये सॉकेट वाले नहीं चलते, यहाँ पर चलते हैं दूसरे सॉकेट वाले। दिखाता हूँ, ये सॉकेट के यहाँ पर चलते हैं। अब हमारे पास था नहीं, बड़ी मुश्किल से एक मुझे मिल गया, जो ये है सी टाइप। मेरा आईफोन तो चार्ज हो जाएगा लेकिन सैमसंग का फ़ोन चार्ज नहीं होगा। चलो कोई नहीं, मेरा काम तो बना। पावर बैंक में थोड़ी सी बैटरी है, पापा को देते, पापा अपना फ़ोन चार्ज कर लें। बाकी थोड़ी देर में एक भैया बोल रहे हैं कि अभी दूसरा अडैप्टर लाते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फ्रेश होना है, बहुत ऑयली ऑयली स्किन हो चुकी है यार, बहुत ज़्यादा। फ्रेश होके फिर डिनर पे जाना है। डिनर करने के बाद देखें फिर क्या करते हैं, मुझे भी नहीं पता अभी तो। प्लान सडन वाला है सब, क्योंकि एक तो मैं यहाँ का प्लान का हिस्सा नहीं था। सडन बस पापा ने बोल दिया, टिकट करा दी हमने, मोटा भी हो गया हूँ। तो मैं ड्रायर भी है, बाकी थोड़ा सा हमारा रखा है शैम्पू, बॉडी लोशन, ब्रश, और एक सॉप भी है, और एक ये फेस वॉश। मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं है, ये मेरे लाया हूँ। फ्रेश होने का गोरा तो लग रहा हूँ मैं, स्मार्ट भी। कल तक पता बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी, अब लग रहा है सच्ची में दुबई आ गया हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ। अब सड़कों पर टेस्ला, फरारी सब ऐसे घूम रही है। एक दिन अपने भी कमाएंगे, अपने भी उड़ाएंगे। होता है ना कि बाहर जाने का ड्रीम होता है, मेरा भी था, तो आज पापा ने वो ड्रीम पूरा कर दिया। पढ़ने के लिए नहीं जगह पाया, तो घूमने के लिए सही। तो थैंक्स पापा, और नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी जस्ट लैंड हुए, कुछ देखा भी नहीं हमने, बेसिक चीज़ भी नहीं देखी, और दिल में आ गया वो चीज़, मतलब दुबई दिल में आ गई, इतना अच्छा है। नाइट व्यू बहुत अच्छा है। अभी मैं वहाँ पर भी गया था, अपन देखा बीच पर, तो अमेजिंग। सुबह देखेंगे कैसा होता है वहाँ पर बीच पे। और मैं बीच पे भी नहीं गया कभी, गोवा तक नहीं गया। समुद्र के नाम पे हमारे भाई रुद्रपुर में एक लेक पैराडाइज है सर, तो उसके आगे कभी देखा ही नहीं हम ज़्यादा। तो भाई फर्स्ट टाइम हर चीज़ का एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो शीशा ही इतना अच्छा है यहाँ तो। खुशी मेरी तो आप समझ ही सकते हो, दिख रही होगी फेस पे पहली बार। चलिए, दिस इज़ माई रूम, यहाँ पर मैं अकेले सोने वाला हूँ। पापा का दूसरा रूम है, इसमें डबल बेड है, मतलब जॉइंट है, मेरा जॉइंट नहीं है, सिंगल सिंगल है। और रात को पत्ते खेलने अकेले, तो भाई इससे अच्छी चेयर कहाँ मिलेगी। स्टडी टेबल जो मैं पढ़ता भी नहीं अब। दिस मी, दिस इज द सेक्सी वन मिरर, जो बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं सुंदर लग रहा हूँ, शीशा सुंदर लग रहा है मेरा। था आगे भी देखो, हाईटेक है भाई, फिंगरप्रिंट के साथ ऊपर नंबर है, कुछ भी लगाओ। फिंगरप्रिंट मेरा नहीं है, नंबर मुझे पता नहीं है, ये रूम है मेरा। दिस इज द व्यू, चांद, और ये है पापा का रूम। हमारी टैक्सी आ गई थी बाहर, और हमारा डिनर का टाइम हो गया था, तो हम डिनर के लिए निकल गए थे। पूरा गेम ही लग रहा है सच्ची में। आप जब भी देख लो दुबई में रात को, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स दिखेगी आपको। ये दुबई फ्रेम है, जहाँ हमने डिनर करना था वो जगह आ गई थी, और जब हम इधर घुसे बहुत सुंदर जगह थी वो। गजब सुंदर है, बहुत सुंदर। अति सुंदर, ये देखो ये बिल्डिंग है पूरी, फिर
फिर हम खाना ऑर्डर करते हैं और साथ में ड्रिंक्स, मेरी ड्रिंक आ जाती है। उसके बाद वहाँ पे जो दुबई का खाना होता है वो भैया लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, टेस्टलेस होता है, हमें तो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं वो कैसा खाते हैं। फिर हमने अपने लिए जो स्नैक्स होते हैं हमने वो मंगाए। आफ्टर स्नैक्स फिर डिनर ऑर्डर करते हैं, बहुत टेस्टी होता है, हर चीज़ टेस्टी है, सिर्फ एक दुबई का जो वहाँ का खाना है उसको छोड़ के बाकी सब अच्छा था। उसके बाद भैया और बताते हैं कि इस होटल के नीचे साइड में ही क्लब्स है, तो वहाँ जा कर देखो, बहुत अच्छा है। नीचे हम फिर एक दो क्लब में जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम तीसरे क्लब में जाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी इंडियन वाइब्स वाला क्लब था वो, तो हम वहीं पर जाते हैं। हम पंजाबी को तो पंजाबी गाने मिल जाए तो हम कहीं भी शुरू हो जाते हैं, तो डांस मैंने भी किया था, लेकिन पापा और अंकल लोग थोड़े बाहर थे तो मेरी वीडियो बन नहीं पाई डांस वाली, लेकिन बहुत मज़ा आया। जब भी हम बैठ रहे थे तो बार बार पीछे से लोग आ रहे थे, अंकल को उठा के ले जा रहे थे, तो हमने पीछे आपको दिख रहे होंगे वो बाउंसर है, तो हमने उनको बुलाया कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर भैया लोगों ने दोबारा ड्रिंक्स मंगा ली जो कि अच्छी थी, और बहुत ट्रेडिशनल वे से अच्छे तरीके से मस्त करके सर्व करी, तो अच्छा लगा। पापा के फ्रेंड्स हैं जो दुबई के, वो बहुत चिल बंदे हैं, उन्होंने हमें भी इंजॉय करा, खुद भी बहुत इंजॉय करा, और लिटरली हमने फर्स्ट टाइम नाइट लाइफ देखी दुबई की और बहुत अच्छा लगा। ये है दुबई के सबसे कूल बंदे जो बिल्कुल चिल रहते हैं, लेकिन और इंजॉय भी सबसे ज़्यादा करवाते हैं। फिर हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते साथ ही मुझे दिख जाती है बम्बल बी। वाओ, हम सब लोग बहुत ज़्यादा थके होते हैं क्योंकि आज ही हमारा फ्लाइट का था और उसके बाद फिर हमने इतना इंजॉय कर लिया तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो तो गाड़ी में सो गए। पापा का रूम ओपन हो गया था बट मेरा रूम ओपन नहीं होता, पता नहीं क्यों, तो मैं भैया को बुलाता हूँ, रिसेप्शन वाले को, वो करते हैं। मैं भैया से बात कर रहा था हिंदी में, बाद में पता चला वो इंडियन ही नहीं है, तो पॉपआउट हो गया मेरा। मैं रैंडमली अभी इंस्टाग्राम ओपन करा और मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखो, सेलेस योर कार इन 59 मिनट्स, ये सारी गाड़ियाँ मेरे पास, ओडी, लग्जरी, BMW, मर्सिडीज़ और इवन पोर्श था मेरे पास, और मुझे ही नहीं पता था। भाई मेरे पास है तो मैं बेचूँगा क्यों, पागल कुत्ते ने काटा है क्या। वापस आ गए हम, पार्टी वार्टी कर गए, बहुत बहुत अच्छा है दुबई, बहुत अच्छा। नाइट का ही सब है यहाँ पर, मोस्टली सारे क्लब 3-4 बजे तक चलते हैं, और अभी हम 1-2-3 क्लब्स में गए, तो कल का भी प्लान है, लेकिन ड्रिंक करी, खाया पिया, बहुत इंजॉय करा। और सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि रात को भी मतलब इतना जगमग है, हर चीज़ दिख रही है, और मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा, सीधा ऑनलाइन चलान आपका, तो इस चीज़ काफ़ी अच्छी है इंडिया से। तो अब मन कर रही है रुक जाओ, लेकिन रुक नहीं सकता यार टाइम स्टिल, लेकिन बहुत बहुत अच्छा है। अभी मैं रूम पे आया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हो रहे हैं 2:30 इंडिया के अकॉर्डिंग 4, और हम कल मैं सुबह 6 बजे से उठा हुआ हूँ, तो मैं सोया नहीं, 24 घंटे होने वाले 2 घंटे में, तो अभी सोना है। और जस्ट यहीं से पास में बीच है जो देखा था, तो सोचा था सुबह 6 बजे जाऊँगा, बट अब कल नेक्स्ट मॉर्निंग जाऊँगा मैं, अभी तो भाई उठने के लायक नहीं रहूँगा मैं, सो गया तो सो सोते हैं, और मैं कल तो आपको शेड्यूल दिखाऊँगा कि क्या क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो में।